चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई को हलवा खिलाकर निपटाया। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने समर्थक उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर वैसे तो बेहद खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर उन्हें बड़ी टीस से गुजरना पड़ रहा है। भूपेंद्र हुड्डा 8 साल से अशोक तंवर और शैलजा के खिलाफ इसलिए मौन छेड़ी थी कि वह बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा बनाना चाहते थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा को प्रदेशाध्यक्ष बनाने के चक्कर में कुलदीप बिश्नोई से उलझ पड़े और कुलदीप बिश्नोई को सीएलपी लीडर बनने से रोकने के लिए न तो खुद प्रदेश अध्यक्ष बने और न ही दीपेंद्र हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बनवा सके। भूपेंद्र हुड्डा शैलजा को हटाने के लिए कुलदीप बिश्नोई को हलवा खिलाकर पटाते रहे, लेकिन जब वहीं कुलदीप बिश्नोई दीपेंद्र हुड्डा के रास्ते में रोड़ा बनने लगे तो उन्हें भी खुड्डे लाइन लगवा दिया। पहले उनको हलवा खिलाया और अब उनको निपटा दिया गया है। वैसे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने के बाद 2005 से लेकर आज तक प्रदेश कांग्रेस में लोकतंत्र का लगातार गला घोंटते रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तानाशाही के जरिए पहले 9 साल तक सत्ता चलाई और इसके बाद प्रेशर पॉलिटिक्स और बड़े नेताओं के साथ सेटिंग करके हरियाणा में 8 साल तक कांग्रेस का संगठन नहीं बनने दिया। इसके चलते कांग्रेस लगातार 2 बार से सत्ता से बाहर रही। भूपेंद्र हुड्डा के कारण गैर जाट वोटरों का बड़ा हिस्सा कांग्रेस से दूर हो गया है, जिसके कारण कांग्रेस सत्ता में वापसी किसी भी सूरत में कर पाती है या नहीं कर पाती वो तो भविष्य तय करेगा, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी शैलजा को हटवाकर अपने अहंकार को तो शांत कर लिया, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा को अध्यक्ष पद नहीं बनवा पाना उनकी बड़ी हार है, उन्हें लगातार परेशान करती रही। बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।